इसमें हमने ही बात की ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की. ऑल द नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 7 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, राइट. अच्छा, अब अगर एक चीज़ सोचो, अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये इस तरह जा सकता है. क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. एक मिनट को, मैंने वैसे सारे नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ उसका देखा था, वो रिकॉर्डिंग ऑन करने वाला. यस, आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास ईशा, डोंट यू वरी, राइट. बट ये जो लास्ट जो अब डिस्कशन है, दिस इज द मोस्ट लाइक डिसाइसिव डिस्कशन, जिसकी बेसिस पे कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना चाहिए. नाउ, अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है, क्यों? क्योंकि जितने कम शेल्स, इस बात को यूं सोच लो, जितने कम शेल्स उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, राइट. जितने कम शेल्स उतना न्यूक्लियस लेस कवर्ड है, कम शेल्स हैं, कवरेज कम है, न्यूक्लियस जोर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है और अपने शेल का हिस्सा बना लेता है. तो जितना स्ट्रांगली वो पुल करेगा, उतना डिफिकल्टली ये लूज करेगा. मैं ये कह सकता हूँ फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फ्लोराइड इज द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट कैन नॉट लूज दैट ईजिली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस. जिसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग था फ्लोरीन का, अगर मैं इस चीज़ को देखूं, फ्लोरीन का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग था, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को बासानी पुल कर लिया. जो आसानी से खींच लेगा और अपने शेल का हिस्सा बना लेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत मुश्किल होगा. और जो अब क्लोरीन का गेन करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेयर टू फ्लोरीन, तो क्लोरीन का लूज करना कंपैरेटिवली आसान है कंपेयर टू फ्लोराइड. यानी अगर मैं फ्लोरीन टू एस्टेटीन यहां देखूं और फ्लोराइड से एस्टेटाइड यहां देखूं, तो यू ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है और रिड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है. जिसके लिए गेन करना आसान है, उसके लिए लूज करना मुश्किल है. जिसके लिए गेन करना मुश्किल है, उसके लिए लूज करना आसान है. तो मैं ये कह सकता हूँ नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल दो, बट देयर आयंस आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये डिपेंड करता है कि जो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा, उसका आयन उतना ही बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो अब यहां पर जो एनालिसिस करनी है इन दो तीन टर्मिनोलॉजी की, मैं यहां से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की बात करता हूँ. फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड. नाउ, फ्लोरीन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को भी छीन सकता है, क्योंकि ये तो फेमस कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को, ब्रोमीन ब्रोमाइड के इलेक्ट्रॉन को, आयोडाइड के इलेक्ट्रॉन को, एस्टेटाइड सब के इलेक्ट्रॉन को बासानी छीन सकता है, क्योंकि इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कलर चेंज करते हैं. क्लोरीन
फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा और क्लोरीन अपने ही क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाएगा, तो इट कैन पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड एस्टेटाइड। इसी तरह ब्रोमीन ना फ्लोराइड से पुल कर पाएगा, ना क्लोराइड से पुल कर पाएगा, ना ब्रोमाइड अपने आप से खुद कर पाएगा, बट इट कैन पुल इलेक्ट्रॉन और स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयोडाइड एंड एस्टेटाइड। बिल्कुल इसी तरह आयोडाइड की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी और कम है, तो इट कैन नॉट पुल इलेक्ट्रॉन और स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड इटसेल्फ आयोडाइड, बट इट कैन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस्टेटाइड। तो अगर इस रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी को समझ जाते हो तो इस बेसिस पर हमें एक एक्सपेरिमेंट प्लॉट करना है। मैं इन बातों को यहां लिखता हूं। फ्लोरीन कैन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल हैलाइड्स, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड। क्लोरीन कैन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड। ब्रोमीन कैन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयोडाइड, एस्टेटाइड। आयोडीन कैन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओनली एसिड। तुम देख रहे हो एक एक करके कम होते जा रहे हैं। ये चारों से कर सकता था, ये तीन से कर सकता था, ये दो से और ये एक से। ओके अच्छा, अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी दी जा रही है। नाउ अब इसको समझ लो तो काफी सारे दुख दर्द एमसीक्यूज के खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जी कुछ कोई कुछ कह रहा है, मैसेज आया मेरे पास। मैं बेटा फिजिक्स की क्लास में एंड कर रहा हूँ उसे 5 से 7 मिनट के अंदर। 10 मिनट लेट चले जाओगे तो कुछ नहीं चला जाएगा, सर बुरा नहीं मानेंगे। ठीक, मैंने 3 सॉल्यूशंस बनाए हैं, इस अप्रोच को एंड करके ही आज उठेंगे। मेरे पास क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड, यानी ये सॉल्यूशन किसका है, क्लोराइड आयन का। मेरे पास सोल्यूशन है पोटेशियम ब्रोमाइड का, यानी इसमें कौन सा आयन मौजूद है, ब्रोमाइड। मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है पोटेशियम एस्टेट आयोडाइड का, यानी इसमें आयोडाइड आयन मौजूद है। मैं ये बात जानता हूँ क्लोरीन अपने आप को डिस्प्लेस कर भी दे, KCl क्लोरीन मेक्स नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अपने आप को डिस्प्लेस करने का कानून हमने देखा कि है ही नहीं। कोई भी अपने आप को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, आगे वालों को डिस्प्लेस कर रहा है या अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर रहा है। चलिए, लेकिन अगर ये यही क्लोरीन KBr के सोल्यूशन में डाला जाए तो ये ब्रोमीन को बाहर निकाल सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। ये इस वक्त किस हालत में, ब्रोमाइड की हालत में।
इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और क्या बनाएगा, खुद से पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन को फ्री कर देगा जी। मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, पोटेशियम होने के बावजूद इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट, रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमाइड, जस्ट लाइक दिस सी, क्लोरीन और ब्रोमाइड के दरमियान, क्लोरीन कैन इजीली स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड, खुद क्या बन जाएगा, क्लोराइड, और ब्रोमीन को फ्री कर देगा। ये क्या है, पोटेशियम का सॉल्ट हमने लिया, पोटेशियम का सॉल्ट इज अ सोर्स ऑफ क्लोराइड आयन, पोटेशियम का सॉल्ट इज अ सोर्स ऑफ ब्रोमाइड आयन, पोटेशियम का सॉल्ट इज अ सोर्स ऑफ आयोडाइड आयन। इसमें पोटेशियम रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड, तो इसमें एक्चुअली रिएक्शन कौन कर रहा है, आयोडाइड कर रहा है। इसमें भी मैंने क्लोरीन डाली, क्लोरीन इस आयोडाइड आयन से इलेक्ट्रॉन छीन कर खुद पोटेशियम क्लोराइड बन गया और आयोडीन को फ्री कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया कि क्लोरीन कैन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड, क्लोरीन कैन स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयोडाइड, एंड इट कैन ऑल्सो स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस्टरटाइड। अच्छा जी, अब जरा देखिए, ब्रोमीन क्लोराइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ब्रोमीन क्लोराइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, आप देख रहे हैं, ना ये फ्लोराइड को कर सकता है ना ये क्लोराइड को कर सकता है, इसकी मजबूरी है, ये कम रिएक्टिव है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ नो रिएक्शन। ब्रोमीन अपने आप को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, नो रिएक्शन। अच्छा, इधर से भी मैं मिटा ही दूँ रिएक्शन ताकि कन्फ्यूजन ना। इट कैन ओनली स्ट्रॉन्गर देन आयोडाइड आयन, और क्या बनाया, के बी आर और आयोडीन को फ्री कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को छीन के। आयोडीन क्लोराइड से भी कमजोर, रिएक्शन नहीं कॉज कर सकता, ब्रोमाइड से भी कमजोर, रिएक्शन नहीं कॉज कर सकता, आयोडाइड अपने आप को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यानी मेरे पास जहाँ रिएक्शन नजर आ रहा है उसको मैं ब्लू कर देता हूं, एक ये के बी आर में से क्लोरीन ने ब्रोमीन को, ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करके ब्रोमीन बना दिया। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी जो ऑरेंज जोन है उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं, इसमें भी 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 नहीं। इस बात को यहाँ स्टॉप करते हैं, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है, यू कैन कंटिन्यू टूवर्ड्स योर फिजिक्स क्लास, इसको पढ़िएगा, मैं वीडियोस अभी अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक सेंड करूंगा, दोबारा देखिएगा, रिव्यू कीजिएगा, पास पेपर के क्वेश्चंस उठाइएगा। वैसे मैं इस चैप्टर एंड के ऊपर आपके साथ पास पेपर ऑलरेडी डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।